हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनू। मैथ्स मेनू में आपका स्वागत है। चलिए आज ट्रायंगल गिनने का सीखते हैं। इस तरह का जो जब फिगर आ जाता है ट्रायंगल में, तो किस तरह से इसको गिना जाता है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा फार्मूला से इसका निकालते हैं कि कितना ट्रायंगल है, लेकिन फार्मूला जो है कहीं ना कहीं जा करके वो दिक्कतें दे देती है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं जल्दी कैसे किया जाए, और जो इससे कितना भी बड़ा ट्रायंगल आ जाए, इस तरह का ट्रायंगल कितना भी बड़ा आ जाए तो हम आसानी से उसको काउंट कर ले। तो चलिए इसका क्या ट्रिक है देखते हैं, बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, ये फिगर है, इसमें ट्रायंगल गिनना है। तो इस ट्रायंगल में गिनने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बेस पॉइंट पे नंबरिंग करना होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, उस तरह से आप भी कर लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 कर लिए। अब इसी नंबरिंग को ना यहाँ पे लिख लेना है। चलिए लिखते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे नंबरिंग किया तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, 1 के सामने 1 लिख देना है, 1 के सामने 1 लिख देना है, और इसको डायगनली जोड़ना है। देखिए डायगनली तीर मारना है, देखिए ऐसे तीर मारे डायगनली 1 से 2 को, और इसको ऐसे करके यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे 1 के सामने 1 लिखेंगे, डायगनली तीर मारेंगे, जो तीर मारेंगे ना उसको सामने सामने जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ डायगनली तीर मारेंगे, 3 और 3 6, 6 यहाँ पे लिख देंगे। फिर डायगनली तीर मारेंगे, फिर 6 और 4 10, 10 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे जैसे हम किए हैं वैसे वैसे आप भी कीजिएगा, नहीं तो पजल होने का डर रहता है, पजल हो जाइएगा फिर आंसर गलत हो जाएगा। 1 के सामने 1 लिखना है, फिर डायगनली तीर मारना है, फिर जो तीर मारेंगे जिसके सामने सामने उसको जोड़ देना है, जोड़ के फिर सामने तीर मार के लिख देना है, फिर लिख दिए, फिर डायगनली तीर मारेंगे, फिर तीर मारने के बाद 3, 3, 6, फिर सामने उसको लिख देंगे, फिर डायगनली तीर मारेंगे, तीर मारने के बाद सामने जोड़ करके उसको लिख देंगे। अब जितना आया उसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो यहाँ 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 यहाँ पे आ गया, 20 ट्रायंगल तो हमको यहाँ से निकल गया। इसमें और कुछ प्रक्रिया है, और करना है कुछ, अभी पूरा ट्रायंगल नहीं आया है। क्या करना है, एक को काटना है, दूसरा को यहाँ जोड़ देना है, यहाँ पे जोड़ दिए, फिर उससे ऊपर वाला को काटना है, फिर दूसरा को जोड़ देना है, फिर यहाँ पे इसको भी जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे 20 तो पहले से था, 7 फिर बाद में आया, तो 20 और 7 27 ही इसका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, ऐसे भी आप याद भी कर सकते हैं, जब आधार 1, 2, 3, 4 चार आधार हो तो उसमें 27 ट्रायंगल आता है। अगर नहीं रखना है तो इस तरह से बनाइए, इस तरह से इसमें आते हैं, इसमें भी नंबरिंग कर लिए। दूसरा फिगर में 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। अब फिर 1 के सामने 1 लिखना है, 1 के सामने 1 लिखे, 1 के सामने 1 लिख दिए, डायगनली तीर मारना है, देख लीजिए तीर जिसको मारे हैं उसको सामने सामने जोड़ना है, तो 2 और 1 3 सीधा, फिर तीर मार के यहाँ पे 3 लिख देना है, फिर जो यहाँ आया उसके सामने फिर सामने वाला से तीर मारना, 3, 3, 6 तो 6 आया तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, फिर सामने तीर मारना है जिसको तीर मारे हैं सामने सामने उसको जोड़ना है, 6 और 4 10, 10 को फिर सामने करके यहाँ पे लिख देना है, फिर 10 को यहाँ तीर मारना है, या फिर 10 और 5 15 फिर तीर को सीधा करके और 5 15 यहाँ पे लिख देना है। चलिए हो गया, अब इसको जोड़ना है, जोड़ना है तो 5 और 6, 6 5 11, 11 और 3, 11 3 हो गया 14, 14 1 15, 15 का 5 कैरी रहा 1, 1, 1, 2 और 1 कैरी 3, मतलब 35 यहाँ से आ गया, 35 यहाँ से आ गया। फिर वही प्रक्रिया करना है, एक को काटना है, ऊपर वाला को लेना, अल्टरनेट में काटना है, अल्टरनेट में लेना है, इसको काटे इसको लिखे, यहाँ पे 10 लिख लेना, फिर इसको काटे फिर इसको ले लिए, फिर यहाँ पे 3 लिख लेना, फिर इसको काटे, आगे तो कुछ है ही नहीं है तो कुछ लेना ही नहीं है। अब जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 3 और 1 4, तो इसका 48 सही आंसर आ गया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जब 5 बेस होता है, 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस 5 बेस,
पांच बेस होता है तो 48 आंसर आता है, जब चार बेस होता है तो 27 आंसर आता है। इसी तरह आप कितना भी बड़ा इस तरह का फिगर होगा यही फॉर्मूला लगाइएगा और सवाल बना लीजिएगा और सही आंसर निकलेगा। बस सिर्फ याद रखिएगा जिस तरह से हम अल्टरनेट में जिस तरह से किया है प्रक्रिया में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी प्रक्रिया गलत हो जाएगा फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कीजिए तो सही और सटीक और जल्दी बनेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।